एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा पेट्रोल डीजल के खिलाफ साइकिल से चल रहे हैं, तेजस्वी ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, देखिए कि यहाँ पर हाथों में बैट है, जो है गार्ड्स पहने हुए हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना लेकर कहाँ मोदी जी हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 तक पहुँच गई है, महंगाई अपने चरम पर है और बावजूद इसके जो 56 इंच का सीना है वो 56 इंच पेट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आया है। बात करेंगे क्या है इसका मतलब, बैट है, गार्ड्स है, क्या है। 2014 में जब मोदी सरकार इलेक्शन लड़ रही थी, इन्होंने 300 से ज्यादा रैलियां करी और इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में जब 65 रुपए पेट्रोल था तो इनको महंगा लगता था, स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज ये पेट्रोल 100 के पार हो गया है। जब आज स्मृति ईरानी कहाँ है, आज अनिल विज और राजनाथ सिंह कहाँ है जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। ये सीधे सीधे दो आदमियों की सरकार है, हम दो और हमारे दो। ये दो आदमी मिलकर दो आदमियों के लिए इस देश को पागल बना रहे हैं, देश को लूटा जा रहा है और भारतीय युवा कांग्रेस मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेगी जब तक पेट्रोल। ये सड़क पर लगातार उतर रहे हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हाथ में बैट, गार्ड्स और यहाँ पर ये मोदी जी की जो पिक्चर है वो मुंह में लगा के, इसका क्या मतलब है मोदी जी की? मैंने कसम उठाई है, अभी 101 रुपए पे पेट्रोल लेकर आया हूँ, मैं 150 पार करूंगा। अभी तो मैंने सेंचुरी मारी है, अभी 150 पार करूंगा मैं और गैस के दाम 1000 रुपए कर दूंगा मैं। मैंने कसम उठाई है ये देश में बेच के रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जो है यूथ कांग्रेस की जो कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग एक तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, दूसरी तरफ दिशा रवि के रिलीज को लेकर कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य स्थिति है हमारे देश की कि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस बेसिस पर मोदी सरकार बनाई गई थी उसी से वो हट चुके हैं। उन्होंने अपना कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके वजह से स्थिति अच्छी हो देश की। लेकिन दिशा रवि जैसी 21 साल के ग्लोबल जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उसे प्रमोट करना चाहिए था मोदी जी आपको। वो इतना बड़ा काम कर रही थी जिस चीज़ को आप समझ भी नहीं सकते, ग्लोबल वार्मिंग को, उस पर वो जो है एक्टिविस्ट बनी थी। अगर फार्मर्स का आवाज़ उठाना, युवाओं की आवाज़ उठाना, महिलाओं की आवाज़ उठाना गलत बात है तो हम सबको अरेस्ट कर लीजिए आप आकर। सबको अरेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और विपक्ष लगातार जो है वो आवाज़ उठा रहा है। और यहाँ पर यूथ विंग जो है जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं कि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की जो है युवा कांग्रेस हो या फिर अलग अलग पार्टियाँ जो हैं वो सड़क पर उतर आई हैं और लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। वो अलग बात है कि सरकार जो है वो दलील दे रही है कि कोरोना काल में जिस तरीके से इकोनॉमी चरमराई है उसको देखते हुए कई कड़े फैसले जो हैं लेने पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं सड़क पर, सीपी में इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है फोर्सेस लगा दिए गए हैं और यहाँ पर इनको रोका गया है, लेकिन लगातार आवाज़ बुलंद करते हुए प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।